इंडियंस है जिसके हम पीबीएस के क्वेश्चन सॉल्व करें, और आज हम सॉल्व करेंगे आईएसएस 2020 स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 सेट बी क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन जो क्वेश्चन लिख दिया है, तो हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है, OCR, OMR, MICR। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवेन बिलो। तो हमारे पास जो गिवेन दिया हुआ है उसमें से जो सही है वो हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ टर्म मिला है, पहला मिला है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस, उसके बाद है OCR, ठीक है, OMR, और लास्ट है MICR। ये तीनों हम ये चारों टॉपिक के बारे में लिख देंगे, जिससे क्या होगा आपको अगर इस टॉपिक के ऊपर अगर और भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसका भी आंसर कर पाए। आपको क्वेश्चन में समझ में आ रहा होगा एक कंप्यूटर पे बेस्ड है, और कंप्यूटर का जो क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीटली थ्योरिटिकल होता है, तो थ्योरी पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम यहाँ इस वीडियो में आपको इस चारों का जो थ्योरी पार्ट है वो अच्छे से बता देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए हमने आपके लिए जो थ्योरी पार्ट है वो लिख दिया है, तो हम थ्योरी पार्ट को देखेंगे। देखिए बार कोड रीडर ये नहीं था, फिर भी हमने लिख दिया है समझने के लिए, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजिंग डिवाइस, ठीक है। ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजिंग डिवाइस आर यूज फॉर रिकॉग्नाइजिंग द कैरेक्टर ऑप्टिकली, जो कैरेक्टर ऑप्टिकली समझने के लिए यूज किया जाता है। चार तरह का होता है, एक है OCR, OMR, MICR और है बार कोड रीडर, ठीक है। तो आपको यहां तक पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि जो आंसर है डी, मतलब 1, 2, 3, 4 तीनों सही है। फिर भी यहां पढ़ लेते, देखिए OCR मतलब क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। यूज द फोटो इलेक्ट्रिक सेल फॉर रिकॉर्डिंग द पैटर्न ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द प्रिंटेड टेक्स्ट। जो प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको वो कंप्यूटर में, मतलब जो कंप्यूटर या मतलब डिवाइस है उसमें लेने के लिए, वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक लेने के लिए यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल यूज करते हैं। इसके बाद जो है OMR, ये जो है बहुत कॉमनली आपने सुना है, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो हमें आ जाएगा क्या कॉमनली यूज करते हैं, द ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस मेक यूज ऑफ द OMR टेक्नोलॉजी। OMR डिवाइस आर यूज फॉर स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट हैविंग द मल्टीपल चॉइस। कोई भी एग्जाम जो होते हैं, जैसे ISS का एग्जाम मान लीजिए, वहां पे आपको एक देखिए शीट होता है जहां पे चार ऑप्शन होता है, जो सही ऑप्शन है उसमें आप सर्कल करते हो, वो जो OMR शीट वहां पे ये जो है टेक्निक यूज करता है, और उसको रिकॉग्नाइज, मतलब जो चेकिंग कास्ट होता है वो होता है OMR ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्नाइजेशन, OMR डिवाइस उसका चेकिंग होता है, ठीक है। देखिए आप किसी चीज का अगर याद रखना है आप उसके एग्जाम्पल याद रखिए तो आपको अच्छा समझ में आएगा। इसका देखिए MICR मतलब मैग्नेटिकली इंक्ड कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका यूजेस का है वो याद रखेंगे आपको अच्छा याद रहेगा। द MICR डिवाइस पोसेस द चेक आइडेंटिफाई द न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड स्टोर द डेटा ऑन द डेस्क। मतलब देखेंगे जो बैंक में होता है वहाँ पे एक डिवाइस होता है जिससे जो चेक है उसका वेरिफिकेशन होता है कि चेक जो है वो ओरिजिनल है या नहीं है। वो जो डिवाइस है वो होता है MICR डिवाइस, ठीक है। तो आप अगर यूजेस याद रखेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगा। पहले हमने OMR देखा, OMR जो है वो मल्टीपल चॉइस में यूज किया जाता है, OMR जो शीट है उसको चेक करने के लिए, और ये जो है ये चेक को देखने के लिए, और ये जो है यहाँ पे याद रखने लायक क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। लास्ट देखिए बार कोड रीडर, ये हमने सब ने देखा है, बार कोड रीडर इज द स्कैन दैट यूजुअली रीड द बार कोड व्हिच इज यूज्ड टू लेबल द आइटम इन द सुपरमार्केट रिटेलर स्टोर और द बुक नंबरिंग इन लाइब्रेरी। जो भी मतलब लाइब्रेरी हो गया, सुपरमार्केट हो गया, रिटेलर शॉप है, वहां पर देखेंगे एक डिवाइस होता है जिसके अंदर बार कोड को स्कैन किया जाता है, जिससे मतलब वो जो टॉप मतलब जो आइटम है उसका सारा डिटेल कंप्यूटर में आ जाता है। जो डिवाइस से करते हैं वो होता है बार कोड रीडर। तो आपको आंसर तो पहले समझ में आ गया होगा, आंसर यहाँ पे है डी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आए। ये वीडियो जो है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस के ऊपर था। चार तरह के डिवाइस हैं, OCR, OMR,
OMR जो है वो जो जो एग्जाम मल्टीपल चॉइस के एग्जाम होते हैं वहाँ पे यूज होता है, बहुत कॉमनली यूज होता है। इसके बाद है MICR जो चेक रिकॉग्नाइज, मतलब चेक का वेरिफिकेशन करने के लिए आता है, और बारकोड रीडर, चारों है। तो हमारे क्वेश्चन में तीन का पूछा गया था, तीनों जो है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस है, तो आंसर जो है वो डी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में, वीडियो में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट से पूछिए, हम आपके डाउट क्लियर करने की, आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब भी बनाएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देते हो तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।